हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए पनीर कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, ये ऐसे करके बनाया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल लिया, उसमें बॉयल्ड पोटैटोज लिए हैं, 4 आलू लिए हैं मैंने। इसको मैश कर रही हूँ हाथों से, अच्छी तरह से इसको मैश कर लेना। किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं, मैं हाथों से ही कर रही हूँ। इसको मैश कर रही हूँ इसको अच्छी तरह से। ये देखिए मैश हो गया ना अच्छी तरह। अब इसमें मैं पनीर डालूँगी। ये पनीर लिया मैंने, इसको ग्रेट करके इसमें डाल दिया। अब इसमें चॉप्ड अनियन डालूँगी मैं, धनिया डाल रही हूँ, कोरिएंडर चॉप्ड, ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ चॉप्ड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही करारे करारे बनेंगे ये। इसके बाद इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ। ब्रेड क्रम्ब से क्या होता है, अच्छी तरह बाइंड हो जाता है, तो हमारा जो कटलेट है बहुत ही अच्छा बनेगा, टूटेगा नहीं कहीं से भी। फिर सॉल्ट डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला मैंने, ये खाने में इतने बढ़िया बनते हैं और इतने जल्दी बन जाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब अमचूर पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, अब कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे, इतने क्रिस्पी बनेंगे, आपको खाने के बाद मज़ा आ जाएगा इसको। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से आप सबको। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि जब कटलेट बनाएंगे तो इजीली बनेंगे फिर इसके। ये देखिए अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छे बनेंगे कटलेट हमारे। जैसे डो तैयार करते हैं वैसे ही इसका डो टाइप एक बन जाएगा। ये देखिए अब इसके बाद मैंने ये लिया है थोड़ा सा और ये कटलेट बनाया है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने राउंड शेप लिया है इसकी, आप कोई भी शेप दे सकते हो इसकी। इसके बाद ये देखिए मैंने 3 कटलेट बनाए हैं। ये देखिए कितने स्मूथ बने हैं ना, अच्छे बने हैं ना। अब इसको ब्रेड क्रम में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके तीनों जो हैं कटलेट मैं ब्रेड क्रम में डिप कर लूँगी अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम है वो हटा दूँगी। अब मैंने एक तवा लिया है नॉनस्टिक, उसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं। उसके बाद ऑयल गर्म हो गया, उसके बाद कटलेट रख रही हूँ इसके ऊपर। इसको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। ये देखिए इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। अब बच्चे से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएंगे ये कटलेट्स, बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। देखिए एक साइड से अभी फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद इसकी साइड चेंज करूँगी। देखिए साथ साथ हिलाती जा रही हूँ ताकि ये है कि जले नहीं। फिर इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए एक साइड से हो चुके हैं, ये दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ मैं। ये देखिए अब दूसरी साइड से फ्राई करूँगी इनको मैं। ये देखिए लग रहे हैं ना बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी। इससे क्या होगा, ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होगा शैलो फ्राई करने से, अच्छी तरह क्रिस्पी भी हो जाएंगे। सारी साइड्स मैं चेंज करती जा रही हूँ ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, तभी अच्छे लगेंगे ये खाने में। ये
हो गए ना, दूसरी साइड से भी फ्राई। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं, अब इसको सर्व कर दिया मैंने। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।